आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं वाटर बाथ की। ये रेक्टेंगुलर वाटर बाथ है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और ये एसएस है, इसका ऊपर का जो हिस्सा है आप देख रहे हैं। वाटर बाथ क्या है? वाटर बाथ लेबोरेटरी में यूज होने वाला एक इक्विपमेंट है। आप कोई सी भी बायोलॉजी हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, लैब में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये इसके कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ऑन ऑफ का स्विच, मेन लोड, थर्मोस्टेट। ये यहाँ से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और टाइम को ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप ये देखिए, देख रहे हैं, ये कुछ साइजेस दे रखे हैं जिसमें आप अपने सैंपल को रख सकते हैं। जो भी आपका सैंपल है, अगर आपने टेस्ट ट्यूब वगैरह रखनी है तो आप ये साइज आपको दे रखा है। सारे साइजेस अवेलेबल हैं। ये एसएस की ट्रे है इसकी, और इसके अंदर एक रॉड भी लगी है, हीटिंग रॉड। तो दोस्तों, ये इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालते हैं तो ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे हम घर में पानी उबालते हैं तो हमारा उस पे टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जब हम लैब में कोई चीज यूज करते हैं तो उसके लिए हमें सारी चीजें कंट्रोल में चाहिए होती हैं। तो वाटर बाथ क्या करता है, वाटर बाथ पानी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और आप एक चीज का और ध्यान दीजिए, ये कभी कभी ऐसा होता है, ये कभी कभी करंट भी मारता है। तो आप क्या करें, जब भी आप इसका यूज करें तो आप इसको स्विच हटाकर फिर इसके अंदर जो भी आप अपने सैंपल डालना चाहते हो वो डालें, और फिर उसके बाद इसको ऑन करें और यूज करें। सो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।